सामने आएगा राम रहीम की रस्में, दुनिया का पूरा सच। आज से शुरू डेरा हेडक्वार्टर में तलाशी अभियान। तलाशी से पहले डकैतों के मिलने के कयास, प्रशासन ने मंगाई जेसीबी मशीनें। तलाशी से पहले राम रहीम के कुनबे में हड़कंप, मुखपत्र में दी अस्थियों को जमीन में गाड़ने की दलील। रिटायर्ड जज एके पवार की निगरानी में चलेगा तलाशी अभियान। सिरसा पहुंचे पवार के लिए सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा। 5000 जवानों की सुरक्षा में देरी में होगा सर्च ऑपरेशन, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी की 25 कंपनियां तैनात। डेरा हेडक्वार्टर के भीतर ताले तोड़ने के लिए प्रशासन ने किए खास इंतजाम, 15 लोहारों को किया गया तैयार। डेरा सच्चा सौदा से मिली थी बदमाशों को पंचकुला में हिंसा फैलाने के लिए 5 करोड़ की सुपारी, पुलिस प्रमुख संधू ने दी जानकारी। डेरा हेडक्वार्टर के करीब बसे गांव वालों ने राम रहीम पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप, कहा सच्चा सौदा के गुंडों ने किया कब्जा। सामने आने लगे राम रहीम के काले कारनामे, सेवादारों का खुलासा, सेक्सुअल कुंठा का शिकार था सच्चा सौदा का प्रमुख। डेरा के स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की का खुलासा, कहा राम रहीम के नाम से भी लगता था डर। आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, नांदेड़ में पार्टी नेताओं और किसानों से मुलाकात का कार्यक्रम। परभणी के गांव का दौरा भी कर सकते हैं राहुल, किसानों के मुद्दे पर मोटरसाइकिल रैली निकालने का भी कार्यक्रम। कांग्रेस छीन सकती है बिहार में अशोक चौधरी से कमान, हालिया घटनाक्रम के बाद बिहार कांग्रेस को मिल सकता है नया अध्यक्ष। बिहार के विधायकों की राहुल से मुलाकात के दौरान भी चौधरी के अदालत रहने की खबर, बगावत को हवा देने का आरोप। आरटीआई से हुआ सांसदों की शाह खर्ची का खुलासा, अधिकतर सांसदों ने किया फ्लाइट की बिजनेस क्लास में सफर। सीपीएम सांसद ऋतब्रत बैनर्जी ने साल भर के हवाई सफर में खर्च किए सर्वाधिक करीब 70 लाख रुपए, शाह खर्च सांसद को पार्टी पहले ही कर चुकी है सस्पेंड। ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में लालू के परिवार पर कसा सीबीआई का शिकंजा, जांच एजेंसी ने भेजा समन, तेजस्वी को भी होना होगा हाजिर। रेलवे होटलों की नीलामी को लेकर 11 सितंबर को पेश होंगे लालू यादव, तेजस्वी के खिलाफ 12 तारीख फिक्स। सीबीआई समन को लेकर लालू ने तोड़ी चुप्पी, कहा मोदी और नीतीश कुमार के इशारे पर काम कर रही है जांच एजेंसी। यूपी में 36 आईएएस अफसरों का तबादला, हमीरपुर, जालौन, गाजीपुर, रायबरेली, मैनपुरी, गाजियाबाद के डीएम बदले। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन से मुलाकात, कृषि आय बढ़ाने के कार्यक्रम की तारीफ। गुजरात में बीजेपी पर पीएम के फोटो लगाकर साड़ी बांटने का आरोप, कांग्रेस ने वोटर्स को घूस देने का लगाया इल्जाम। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए आज होगा मतदान, नजीब की गुमशुदगी से लेकर गौरी लंकेश की हत्या के मुद्दे पर मांगे गए वोट। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को एनजीटी ने दी चेतावनी, एडीयू छात्र संघ चुनाव में कानून का उल्लंघन कर पोस्टर चिपकाने वाले होंगे निष्कासित। एसआईटी ने शुरू की गौरी लंकेश हत्याकांड की जांच, मौका है वारदात पर पहुंची पूरी टीम। मायावती ने की गौरी लंकेश हत्याकांड की एनआईए जांच की मांग, कहा बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है वारदात। बिहार के अरवल में पत्रकार पंकज मिश्रा पर जानलेवा हमला, गांव के ही एक शख्स ने मारी गोली, हालत गंभीर। दिल्ली के द्वारका में बंदूक की नोक पर कार लूट, गोली लगने से घायल एक शख्स। दिल्ली सटे गुड़गांव में 55 साल की बुजुर्ग की लूट के बाद हत्या, 2 दिन बाद फ्लैट पर पहुंचे रिश्तेदार तो हुआ खुलासा। दिल्ली के करीब नोएडा में नौकरानी की बहन ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दिया लूट को अंजाम, लूट के दौरान गोली लगने से गार्ड की मौत। नोएडा में नामी स्कूल के अंदर का वीडियो वायरल, एक दूसरे को थप्पड़ मारने वाले छात्रों के वीडियो पर स्कूल की सफाई। दिल्ली के करोल बाग में आपसी रंजिश के चलते दोस्त ने ही रेता दोस्त का गला, पैसे के लेन देन के विवाद का मामला। हरियाणा के गोहाना में चाकू की नोक पर बैंक कैशियर से लूट की कोशिश, सीसीटीवी में कैद, कर्मचारियों ने पकड़कर पुलिस से किया हवाले। हरियाणा के मुरथल एसएचओ का घूस मांगने वाला ऑडियो हुआ वायरल, दुकानदार से 10,000 का डिनर सेट वसूलने और रोज खाना मंगवाने की शिकायत पर जांच शुरू। यूपी के अमरोहा में अवैध असला फैक्ट्री चलाने के आरोप में शख्स गिरफ्तार, 11 तमंचे और अधबने हथियार बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती के अपहरण और रेप के मामले में 5 लोगों को दी उम्र कैद, साल 2013 में हुई थी वारदात।
अलवर में पुलिस की वर्दी पहनकर दो लोगों ने लूटी कार, पुलिस ने की बरामद। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में महिला की हत्या के मामले में जेठ गिरफ्तार, शव को बोरे में ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में पुलिस ने तीन युवकों को किया गिरफ्तार, 2020 मैच में सट्टेबाजी का आरोप। लखनऊ के गोमती नगर में दबंगों ने रेस्टोरेंट मालिक को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद घटना। कपूरथला में विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्कूल हेडमास्टर ने बच्चों की बेरहमी से की पिटाई, खबर लगने पर परिजनों ने हेडमास्टर की बाइक पर किया पथराव। दुमका में लड़की से गैंग रेप और वीडियो बनाने की घटना, पांच आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सागर में बीवी ने नशेड़ी पति की जमकर की पिटाई, लोगों ने किया बीच बचाव। भरतपुर में छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले शिक्षक की ग्रामीणों ने की धुनाई, जांच के आश्वासन के बाद छोड़ा। बाड़मेर में रॉन्ग साइड से आ रही कार, पुलिस वालों पर चढ़ी, कार को खोजने के लिए की गई नाकेबंदी। दिल्ली में शादी का झांसा देकर इज्जत और रुपए लूटने वाला गिरफ्तार, मैट्रिमोनियल साइट्स के सहारे करता था गोरख धंधा। कोयंबटूर में सामने आया दर्दनाक हादसा, बस स्टैंड की छत गिरने से 9 लोगों की मौत। उधम सिंह नगर के जसपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक छात्र की मौत, पुलिस खुदकुशी और हत्या में उलझी। आजमगढ़ में कोचिंग पढ़ने गया 16 साल का लड़का गुमशुदा, खोजने के बाद पेड़ से लटकता मिला शव। प्रतापगढ़ के जिला जेल में विचाराधीन कैदी ने टॉयलेट में लगाई खुद को फांसी, चाचा की हत्या के आरोप में था बंदी। गया में गैस से भरे टैंकर को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर, गैस रिसाव के बाद क्रेन से हटाया गया टैंकर। यूपी के गाजियाबाद में कार से कुचलकर मासूम की मौत, लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। महाराष्ट्र के ठाणे में महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी, पुलिस अफसर और कांस्टेबल पर मामला दर्ज। गोरखपुर में पति से झगड़े के बाद महिला ने अपने बच्चे को लगाई फांसी, खुद भी की खुदकुशी। होशियारपुर के गढ़शंकर में चार लोगों की मौत से सदमे में परिजन, अमेरिका में हुए सड़क हादसे में मारे गए परिवार के लोग। पंजाब के बठिंडा में एमिनेशन डिपो में आग, प्रशासन का दावा शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी। यूपी के हाथरस में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को झेलना पड़ा लोगों का आक्रोश, शिक्षा मित्रों ने किया घेराव और नारेबाजी। यूपी के लखीमपुर खीरी में खराब सड़क के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन, लोगों को समझा बुझाकर खोला गया जाम। बिहार के शिवहर में राहत सर्वे की अनियमितता पर नाराज हुए लोग, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर की पत्थरबाजी। सीकर में किसानों ने कर्ज माफी के मामले पर किया प्रदर्शन, लगाया जाम। असम के जोरहट में सैकड़ों छात्रों ने किया प्रदर्शन, पांच सरकारी कॉलेजों को एएसटीयू से संबंध करने का आक्रोश। लखीमपुर खीरी में सरकारी स्कूल में लोगों ने आवारा जानवरों को बांधा, खबर मिलने पर पुलिस प्रशासन ने स्कूल से निकाले जानवर। वाराणसी में पान खाकर इधर उधर पीक थूकने वालों की नहीं अब खैर, नगर निगम वसूलेगा जुर्माना। पंजाब के संगरूर में लड़कियों ने पीएम मोदी से की अपील, स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाली खिलाड़ियों को नहीं मयसर शौचालय। गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर के पास दिखा तेंदुआ, कड़ी मशक्कत से हुआ कैद। नवसारी में गंदेवा गांव बना गुजरात का पहला स्मोकलेस विलेज, पूरे गांव में इस्तेमाल हो रहा है गैस सिलेंडर। 2017-18 में 24% बढ़ सकता है चीनी उत्पादन, चीनी मिलों की संस्था आईएसएमए ने लगाया अनुमान। दिवाली सीजन में चीनी की मांग पूरी करने के लिए सरकार ने दी 3 लाख टन आयात की मंजूरी, ड्यूटी में 25% की छूट। अगले साल मार्च तक बीएसएनएल ला सकता है देश में 5G सेवा, नोकिया से चल रही है बात, 10 Gbps तक मिलेगा स्पीड। जीएसटी से जुलाई में 94,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई, 44 लाख व्यापारियों ने फाइल किया रिटर्न। जीएसटी के दायरे में 3 करोड़ व्यापारियों को लाने की कवायद, सरकार ने आयकर विभाग को दिए निर्देश। आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन नंबर और पासपोर्ट में से किसी एक के बगैर नहीं बुक होगा हवाई टिकट, सरकार जारी करेगी नो फ्लाई लिस्ट। मार्च 2019 तक देश की सभी 5.5 लाख ग्राम पंचायतों को वाईफाई से किया जाएगा लैस, 3,700 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार।
प्रदूषण कम करने के लिए देश में 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाने की मांग, ऑटोमोबाइल निर्माताओं की संस्था सियाम ने रखा प्रस्ताव। शेयर बाजार में ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने की योजना, सेबी जल्द लेगा फैसला। एडिडास कर सकती है 25% कर्मचारियों की छटनी, इसके पहले नाइकी ने भी छटनी की थी। गायिका लता मंगेशकर ने अपनी छोटी बहन आशा भोसले को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, ट्वीट पर साझा की तस्वीरें। फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन का मुंबई में मनाया गया 67वां जन्मदिन, अदनान सामी, हरभजन सिंह, जितेंद्र, ऋषि कपूर, नीतू कपूर समेत बर्थडे पार्टी में पहुंचे बड़े चेहरे। शुभ मंगल सावधान कर रही है, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन, आयुष्मान खुराना भूमि प्रमोशन के लिए पहुंचे मुंबई के थिएटर में। जल्द ही महेश भट्ट और पूजा भट्ट ला सकते हैं सड़क का सीक्वल, इंस्टाग्राम में तस्वीर डालकर की फिल्म सड़क 2 की चर्चा। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए भाई के गिफ्ट से खुश, भाई ने तोहफे में दी एसयूवी कार। तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन की पत्नी और बेटे ने बांग्लादेश में शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों से की मुलाकात, जल्द ही समस्या सुलझाने की उम्मीद की जाहिर। कोलंबिया के बोगोटा पहुंचे पोप फ्रांसिस, बिशप्स को किया संबोधित। तूफान इरमा से बर्बाद हुआ एंटीगुआ और बरबुडा, पीएम गेस्टोन ने किया दौरा। क्यूटोरिको में भी इरमा से 3 लोगों की मौत, बड़ी तबाही से बचत हुई। शक्तिशाली तूफान इरमा के अंतरिक्ष से सामने आई दिलचस्प तस्वीरें, कैरेबियाई द्वीपों में तबाही मचाने के बाद हैती की तरफ बड़ा तूफान।